रामपुर के भवनपुरी स्टेडियम में मिनी आईपीएल की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी रामपुर ने किया है। हमारे साथ टीम के जो ऑनर हैं वो भी मौजूद हैं। सर, आज मैच की शुरुआत है, डीएम साहब ने की है, तो ये मिनी आईपीएल पहली बार रामपुर में होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज जाएगा रामपुर? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। रामपुर में इस तरह का पहले कोई भी आयोजन नहीं हुआ था और मैं समझता हूँ कि रामपुर में टैलेंट बहुत है, उसको मौका मिलना चाहिए था और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिससे रामपुर के यूथ को ये टैलेंट मिलेगा और ये लोग बाहर की टीमों के साथ खेलेंगे, बाहर के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सा सुधार आएगा। और ये मैं जितने भी आयोजक हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन यह रामपुर में किया है, इससे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आज जिन दो टीमों के बीच मैच होने जा रहा है उनके कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और किस टीम से हैं, पूरी बात बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं दिल्ली स्ट्राइकर टीम का कैप्टन हूँ और टॉस जीत के पहले बॉलिंग लिया। तो पहले बॉलिंग आपने क्यों ली, किस तरह के पिच की देख कर ली है, क्या फैसला था आपका ये? सर, यहाँ पर चेजबल ज़्यादा ईजी रहता और टीम में हमारे काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, बॉलिंग टीम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें चेज़ करना पसंद। अच्छा, रामपुर में पहली बार मिनी आईपीएल होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इसको? सर, ये बहुत ही अच्छी पहले रामपुर के क्रिकेट की, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जहाँ तक है साथ ही अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं भी अभी U19 कैंप करके आया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा पहल है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट ये सक्सेस होगा आने वाले टाइम में। हमारे साथ दूसरी टीम के भी कैप्टन हैं, उनका भी नाम जानना चाहेंगे। जिस तरह से आज पहले मैच की शुरुआत हो रही है तो कितना लगेगा कि आपने बैटिंग चूज़ की है, तो क्या देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अर्जी है, मैं मुंबई नाइट्स का कैप्टन हूँ। देखिए, वैसे तो मैं बैटिंग के अकॉर्डिंग होता था, टॉस बहाल हारा हूँ क्योंकि ये विकेट अभी पहला स्टार्ट हम देख रहे हैं। जिस हिसाब से मेरी सोच है, इस विकेट के ऊपर अगर हम बाद में गेंदबाज कराएंगे तो थोड़ा सा बैटिंग वाली टीम को प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी नया विकेट है, थोड़ा इसमें अच्छा बाउंस भी मिल सकता है, एक अच्छा स्कोर हमारी टीम यहाँ पर दे सकती है। तो आगे की क्या, किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं मिनी आईपीएल के नाम से, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा, मेरे ख्याल से शुरुआत जब हुई तो बहुत बड़ा फैसला था रामपुर के हिसाब से, क्योंकि रामपुर की क्रिकेट काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। इसके ज़रिए काफ़ी ऊपर खिलाड़ी आ सकते हैं, जैसे सर ने कहा, रोहित ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पर टैलेंट कमी नहीं है, यहाँ टैलेंट को लेके जाने वाली कमी है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड नहीं है, एक ग्राउंड है हमारे यहाँ, इसको भी बामुश्किल तमाम यहाँ करा गया है। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जो टूर्नामेंट करा रहे हैं आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा हो। और जो आपने सवाल करा, मेरे हिसाब से तो मैं अब मैच के अकॉर्डिंग जितने मेरे मैच हैं उसके हिसाब से देखूंगा कि सिचुएशन क्या बैठती है और बेटर टू बेटर करूंगा टीम के लिए। तो आपने देखा कि रामपुर में मिनी आईपीएल शुरू होने वाला है, हम जनता से कहेंगे कि आप आइए, मिनी मैचों का लुत्फ लीजिए। रामपुर से ज़िशान खान।